गुड मॉर्निंग। अभी आगे के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति पद के बारे में अध्ययन किया। अभी इसमें आगे बहुत सारे पार्ट उसके हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब उसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 56 जो है उसमें कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह कितना होगा। इसके संबंध में कहा गया कि सामान्यतः जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, लेकिन इससे पूर्व भी उसके पद रिक्त हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ कंडीशन बताए गए हैं, जिसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र के माध्यम से उपराष्ट्रपति को सौंप दे, यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और उपराष्ट्रपति को जैसे ही इस्तीफा प्राप्त होगा वह उस इस्तीफे से जो लोकसभा का अध्यक्ष है स्पीकर है उसको अवगत कराएगा। तो ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर जो संविधान के प्रावधान हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करने में असमर्थ है, यानी उसमें अयोग्यता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 61 के आधार पर संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इसको पद से हटाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी ये अपने पद पर तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि इनका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए नहीं आ जाता है। तो इस प्रकार से पदावधि के संबंध में इतने प्रावधान हैं। अगला आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। जैसा कि अमेरिका के संविधान में प्रावधान है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ऐसे ही विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रावधान किया गया है कि वह कुछ टाइम पीरियड ही राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष रह सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब तक चाहे कोई व्यक्ति तब तक राष्ट्रपति पद पर जब तक वह नियुक्त होता रहे तो वह रह सकता है। अगला है अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न योग्यताएं चाहिए। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अगला है वह पागल या दिवालिया ना हो, अगला वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। यहाँ पर लाभ का जो पद है ये थोड़ा समझने वाला वर्ड है कि लाभ का पद किसको माना जाएगा। तो इसके लिए कहा गया कि जो भारत की संसद होगी वह समय समय पर कुछ पदों को लाभ के पद की श्रेणी में रखेगी और उनसे बाहर निकालेगी। तो वर्तमान समय में संसद ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं इन सारे पदों को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर किया हुआ, यानी ये सब पद लाभ की श्रेणी के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है कि उन शर्तों को चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को उन शर्तों को पूरा करना होता है। तो इसके लिए कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वह संसद का या राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है और वह संसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य है तो वह जिस समय से राष्ट्रपति पद पे पद ग्रहण करेगा उसी समय से उसका पूर्व पद रिक्त समझा जाएगा। अगला आता है अनुच्छेद 60, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति को जो शपथ देने की प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख किया गया।
इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य होगा वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं मौजूद है तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो इस प्रकार शपथ की प्रक्रिया का अनुच्छेद 60 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अगला आता है अनुच्छेद 61, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति पर चलने वाली प्रक्रिया जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है। सामान्यतः जो मुख्य प्रशासनिक पद होते हैं जैसे भारत में राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के या और भी बहुत सारे प्रशासनिक पद हैं, उन पदों पर आसीन व्यक्तियों के संदर्भ में उनके लिए जो टाइम पीरियड है, अगर वो अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से संपादित नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इन सारे कारणों में उनको पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और इसी को महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें केवल एक आधार बताया गया है जिसके आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, और वह आधार है संविधान का पालन करने में अक्षमता, यानी उसमें अगर योग्यता नहीं है, वह गलत तरीके से चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और इसमें इसके संबंध में जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को समान अधिकार दिया गया है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके लिए कहा गया कि जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लानी है उस सदन को पहले अपने 1/4 सदस्यों से उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराने होंगे और उसको 14 दिन पहले, यानी जिस दिन प्रक्रिया चलानी है उसके 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को प्रेषित करना पड़ेगा। और जब 14 दिन की अवधि यहाँ पे पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उस प्रक्रिया को जिस सदन में लाया गया था उस सदन में आरंभ किया जाएगा। प्रक्रिया आरंभ होने के बाद अगर उस सदन के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन से पारित मानी जाएगी और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे सदन के पास उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे सदन में जब वहाँ जांच होगी तो उस जांच के समय राष्ट्रपति वहाँ पर स्वयं भी उपस्थित रह सकता है, और अगर वह स्वयं ना रहना चाहे तो अपने किसी प्रतिनिधि को, वकील को वहाँ पर भेज सकता है। दूसरे सदन में जांच के समय उसके दौरान जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद जब मतदान कराया जाता है, अगर मतदान में भी 2/3 से उस सदन में भी प्रक्रिया पारित हो जाती है, प्रस्ताव पास हो जाता है महाभियोग का, तो फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह पास माना जाएगा और उसी समय से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा, पद से उसको हटा दिया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी नहीं कराया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और भारत का राष्ट्रपति है दोनों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है कि भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसका केवल एक आधार है, संविधान में असमर्थता, कार्य करने में असमर्थता, जबकि अमेरिका में ये आधार तो है ही, इसके साथ ही भ्रष्टाचार, कदाचार, इन सारे आधारों पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। दूसरा अंतर ये है कि भारत में किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है प्रक्रिया, लेकिन अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया केवल जो वहाँ का प्रतिनिधि सदन है वहाँ पे आरंभ होगा और सीनेट उसका जांच करता है, और जिस समय सीनेट उसकी जांच करता है उस समय सीनेट की अध्यक्षता जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इतने अंतर होते हैं।
एक चीज़ यहाँ पे और आपको रखना है, याद रखना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया भारत में जब चलती है, तो जैसा कि अभी हमने जब निर्वाचक मंडल में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, यानी जिनका मनोनयन किया गया है लोकसभा में राज्यसभा में, वो लोग उसमें भाग नहीं लेते। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो उस समय जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक आज हमने देखा, इसके आगे जो और चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में जो आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर आते रहते हैं। तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से वीडियो एक बार दो बार देखिए, और बाद में इसके साथ में जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है उसको भी पढ़िए, और इसके बाद कॉपी में अपने नोट्स खुद से भी बनाते रहिए। धन्यवाद।